दोस्तों आज हम मेगा लुकालियो को इवॉल्व करने वाले हैं। लुकालियो मेगा इवॉल्व हो जा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो हे त्रिकासन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले काफ़ी ज़्यादा कमाल के टॉपिक के बारे में, मोस्ट अवेटेड टॉपिक के बारे में, जिसके लिए तुम काफ़ी ज़्यादा देर से रुके थे। एंड यह सबको हाइप बनी हुई है कि सरीना एंड ग्रेंजा का रिटर्न कब होने वाला है। तो हाँ, आज की इस वीडियो में आगे आगे देखते जाओ। आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमाल की प्रिडिक्शंस होने वाली है। एंड या होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आती है। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड या विदाउट एनी मोर फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई अभी 2021 एंड होने को, एंड सरीना के रिटर्न के लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है। साथ में ग्रेनिंजा क्लेमेंट एंड पूरी कालोस गैंग के लिए यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाइप बनी हुई है। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें याद ही होगा कि तुमने अगर पोकेमोन का कैलेंडर देखा होगा तो वहाँ पर हमें सरीना और ऐश की कालोस गैंग देखने को मिल गई थी। एंड जिससे हमें यह पता चला था कि ऐश की कालोस गैंग का रिटर्न दिसंबर में होने वाला है। अगर तुम मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल पता ही होगा। एंड या आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में। सो वेल, तुम्हें याद होगा कुछ दिनों पहले एक लीक आई थी, इसमें हमको ये पता चला था कि सरीना का रिटर्न हो सकता है, इसके काफ़ी सारे चांसेस बढ़ गए हैं। वेल, बात करें इस लीक की तो तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। वेल, पोकेमोन कंपनी के साइड से दो तीन लीक्स आ चुकी हैं, एंड उसमें से पहली लीक तुम देख सकते हो। यहाँ पर हमें साफ साफ देखने को मिल जाता है कि पोकेमोन कंपनी के प्रोड्यूसर से एक पोकेट्यूबर ने काफ़ी ज़्यादा कमाल का इंटरव्यू लिया था, एंड उनके चैनल की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से तुम उनको भी सपोर्ट कर सकते हो। वेल, यहाँ पर तुम नीचे देखोगे तो हमको ये देखने को मिला है कि उनने बोला कि कैसे वो 2022 में पोकेमोन जर्नीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनकी कुछ उनने प्रिडिक्शंस दी है। एंड वेल, यहाँ पर तुम पहला पॉइंट देखोगे तो काफ़ी सारे नए नए ट्रेनर हमको देखने को मिलेंगे गैलार रीजन के। एंड या यहाँ पर और पॉइंट के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। वेल, अभी डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। तुम देख सकते हो भाई, ऐश के कंपेनियन रिटर्न होने वाले हैं। मतलब ये तो कंफर्म है कि पोकेमोन जर्नी इसमें ऐश के कंपेनियन रिटर्न होने वाले हैं, एंड ये हो सकता है दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में। वेल, बात करें पोकेमोन ट्रेनर्स की, तो अभी तक पोकेमोन जर्नी ने एक और चीज कंफर्म करी है, वो ट्रेनर रिटर्न हो भी सकते हैं या फिर उनका एक छोटा सा मेंशन हमें एपिसोड में देखने को मिल सकता है। जैसे कि तुम्हें पता होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल गैरी का हमको रिटर्न देखने को मिला था, एंड मेंशन में हमें देखने को मिला था ट्रेसी का एक मेंशन हमको एक एपिसोड में देखने को मिला था। तुम इमेज देख ही सकते हो, क्या पता हमको ऐसी ऐश की कालस गैंग का भी मेंशन देखने को मिल जाए। एंड या बात करें ऐश के कंपेनियन रिटर्न की, तो भाई काफ़ी सारे लोग रिटर्न आ चुके हैं, जैसे ऐश की अलोला गैंग एंड काफ़ी सारे और लोग। एंड अभी तक बचे तो वो हैं सरीना, ग्रेनिंजा और ऐश की कालस गैंग। तो होप्स कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी वो भी रिटर्न आ जाए। यहाँ पर बात करें दूसरी लीग की, तो दूसरी लीक में भी हमें पहली वाली लीक से रिलेटेड कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पोकेमोन के डायरेक्टर का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि पोकेमोन के जितने भी कंपेनियन हैं ऐश के, उन सबको वो लाने का ट्राई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से कर रहे हैं। एंड यहाँ पर पोकेमोन की कंपनी फुल सपोर्ट कर रही है पोकेमोन के कैरेक्टर को वापस लाने का। एंड एक और लीक जो कि काफ़ी समय पहले आई थी, जिसमें हमको ये बताया गया कि कैरेक्टर जितने भी पास में आ चुके हैं फिर से अपीयर होंगे, एंड यहाँ पर ओपनिंग भी चेंज होगी, बट जो पोकेमोन जर्नीस का मेन थीम सॉन्ग है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वेल, ये लीक भी आ चुकी थी, पर ज़्यादा लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एंड या इस चैनल पर तुम्हें सबसे पहले अपडेट्स मिलती है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, ताकि तुम्हें सबसे पहले पोकेमोन जर्नीस के अपडेट्स मिले। एंड या इसके ऊपर यार वीडियो तुम्हें मुश्किल से मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, एंड होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। पोके मिनारन आज के पोकेमोन तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट कर देना। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।